हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं अच्छे तृतीया स्पेशल। तो सबसे पहले हम सूजी का हलवा बनाते हैं। गैस जलाते हैं। आप सभी को अच्छे तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इसमें घी डालते हैं। 2 चम्मच हमने घी डाला है और हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा। इसे पहले सूजी भूंज लेते हैं अच्छे से। ये हमारी सूजी अच्छे से भुंज गई है। अब हम इसमें ये हमारी आधी से थोड़ी ज़्यादा चीनी है, हमारी 1 कटोरी सूजी थी, इसमें पानी डाल के और हमारा 1 गिलास पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने 7-8 काजू और 4 बादाम थे, ये काट के रखे हैं। अब इन्हें भी डाल देते हैं, थोड़े से बचा लेते हैं ऊपर से डालने के लिए। ये देखिए हमारा हलवा बन गया। अब हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तब तक हम मसाला निकाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी, अब गैस चलाते हैं। इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी कढ़ाई हो जाएगी तब हम इसमें तेल डाल। हमारी कढ़ाई अच्छे से हो गई है, हम इसमें तेल डालेंगे। ये 1 चमचे के बराबर है। हमारा तेल अच्छे से हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। हमारा तेल हो गया, अब हम जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से भुंज गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और साथ में ये मसाला जो हमने तैयार करके रखा था।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक हम सब्जी धुल लेते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें सब्जी डालते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसे ढक के पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच में, क्योंकि हम बिना पानी के पकाएंगे। तब तक हम आलू के पराठे बनाएंगे, इसलिए हम ये आलू का भरता बना लेते हैं। ये हमारे 3 से 4 आलू हैं, इन्हें हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था और छील के ये 1 चम्मच के करीब नमक थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये हरी मिर्च काट के रखी थी, 2 से 3 हरी मिर्च है, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है, आलू के पराठों की फीलिंग। हमारा हलवा भी बन गया है, सब्जी हमने चढ़ा दी है, ये आलू का भरता। अब हम आटा लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम आलू के पराठे बनाएंगे। ये 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम है नमक, इसे अच्छे से मल लेते हैं। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। हम अपनी सब्जी खोल के देखते हैं पक गई है कि नहीं। पक गई हमारी सब्जी। हमारी सब्जी पकने में 10 मिनट लगे, वो भी बिना पानी के, धीमी आंच में हमने पकाई थी। ये देखिए अच्छे से पक गई है। इसे ढक देते हैं, तब तक हम पराठे बना लेते हैं।
ये हमारे पराठे। हमारे भगवान जी की प्लेट, ये मेरे बच्चों की प्लेट, ये बच्चों का हलवा, इस पे थोड़ी सी बादाम काजू लगा देते हैं, ऐसे ही बच्चों के में ऊपर से डाल देते हैं। ये खीरा हमारे भगवान जी का, ये खीरा बच्चों का। सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं। ये हमारी प्लेट भगवान जी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से अच्छे तरीके की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाय बाय।